हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए दो शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 प्लस 66 बराबर कितना है 33, और 22 प्लस 99 बराबर कितना है 33। तो बताना है 44 प्लस 88 बराबर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे, और जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। बस आपको कुछ काम नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले चेक करते हैं 55 प्लस 66 से ये 33 कैसे आए हैं, तो इसको भी चेक करेंगे फिर तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 55 प्लस 66, तो इसमें क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे, और इसमें भी। तो देखो 11 एकम 11, 11 5 55 66 हो जाएगा। 11 एकम 11 11, अब देखो यहाँ पर कितना है 5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 11, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ पर कितना आ गया है, 33 आ गया है। अब इसको चेक करते हैं कि जी कैसे आया है, तो कितना है 22 प्लस कितना है 99। तो इसमें क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, इसमें देंगे, क्योंकि जो इसमें नियम अपनाते हैं सभी में एक ही नियम अपनाना पड़ता है। तो क्या होगा, 11 दूनी 22 और 11 99, तो कितना है 2 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 11। 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 से इसमें, तो 11 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 44 प्लस कितना है 88। तो इसमें भी देखो 11 से भाग देंगे तो 11 चौको कितना हो जाएगा 44, और 11 8 कितना हो जाएगा 88, कितना है 4 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 12। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 से किया, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36 बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों इसको बड़े ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को देखो, x+y बराबर कितना है 19, और x-y बराबर कितना है 7। वो तो x/y यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलो इसको देखते हैं। एक्स प्लस कितना है 22 बराबर कितना दिया गया है बच्चों 19। फिर क्या है, x-y बराबर कितना दिया गया है 7। इसको देखो समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। देखो जी क्या है, प्लस प्लस की संख्या है, तो 1 और 1 2 कितना हो जाएगा 2x। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो कितना 19 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा है, तो देखो ये यहाँ पर क्या लगा है बच्चों, बराबर लगा है। तो बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या होता है, अगर देखो गुणा में है संख्या कै में है बच्चों, गुणा में, तो बराबर किस साइड कै में जाती है, भाग में जाती है। अगर भाग में है संख्या तो बराबर किस साइड कै में जाती है, गुणा में। अगर संख्या प्लस में है तो बराबर किस साइड कै में जाती है, माइनस में। और माइनस में संख्या है तो बराबर किस साइड कै में जाती है, प्लस में। ये 4 नियम आपको याद होना चाहिए, मैथ में बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर जी कै में है, गुणे में, तो यह संख्या इस साइड कै में जाएगी, भाग में जाएगी। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 26/2। अब 2 का क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे, तो चलो देते हैं 2 का 26 में। तो देखो 2 एकम 2, अब 6 लेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना बच्चों। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया है, x बराबर बच्चों कितना आ गया है, 13 आ गया है। अब x का मान तो आ गया है बच्चों, अब
अब किसका निकालना है, y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों, 19 है। तो x का मान कितना आया है बच्चों, 13 आया है, प्लस y बराबर कितना है, 19। अब देखो यहाँ पर काय में है ये संख्या, प्लस में, तो इस साइड काय में जाएगी बराबर के, माइनस में। तो वाई बराबर 19 माइनस कितना हो जाएगा, 13। अब देखो वाई बराबर 19 में से 13 माइनस करेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कितना आ गया है वाई का मान, 6 आ गया है। तो एक्स का मान कितना आया, 13, और वाई का मान कितना आया है, 6। तो क्या ज्ञात करना है, एक्स गुणे वाई, तो यहाँ पर एक्स गुणे वाई बराबर ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पर कितना हो गया है, एक्स कितना है 13, वाई कितना है 6, तो जी कितना हो जाएगा, 6 3 18 की 8, 6 6 वाई कितना हो जाएगा, 7, यानी कितना आया है, 78, 78 आ गया है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स गुणे वाई बराबर कितना आ जाएगा, 78, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप सभी से कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे। इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं और डेली वीडियो अपलोड होते हैं, उनको जरूर देखना। और इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन सारे वीडियो को देखना, आपका मेहनत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जितना हो सके उतने वीडियो को देखिए, आप कह नहीं पाओगे कि कितना अच्छा मेहनत हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।